लोकसभा चुनाव, उसका पहले का लास्ट समर रिविजन है, मतलब इसी रोल होगी, यही हम लोगों का 2024 का चुनाव में यूज होगा लोकसभा चुनाव। उसी चुनाव का ध्यान रखते हुए इसी बार कमीशन अपने शेड्यूल का पहले ही अनाउंस कर दिया उसी को। नॉर्मली स्पेशल समर रिविजन शुरू हो जाती है जुलाई अगस्त में शुरू हो जाती है, अगस्त में नॉर्मली शुरू हो जाती है, इसी बार अभी जून 1 से ही आपका कार्यक्रम शुरू हो गया उसमें। कमीशन का उद्देश्य यही है, एक भी एलिजिबल वोटर है वो सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको उसमें सूची में शामिल करने के लिए अपने कमीशन अपने प्रोग्राम दे दिया उसमें। उसमें आपका माध्यम से एक एक एलिजिबल वोटर से मैं आग्रह करता हूँ उसी को, हम लोग को इन पर्सन भी आप लोग को संपर्क करेंगे, डिजिटल माध्यम से भी मैं आपसे संपर्क में करेंगे उसी में एक एक वोटर के साथ में, वो अपने नाम दर्ज करने के लिए वोटर सूची में नाम दर्ज करने के लिए उनका सहयोग आवश्यक है इसमें। कुछ दिनों में हम लोग का रोल में प्रयास करके एक आंकड़ा भी बताता है, हम लोग का रोल में सुधार आए, फिर भी कुछ वोटर छूटा हुआ अभी भी छूटा हुआ है, वो भी आंकड़ा बताता है हम लोग के पास। ये खास तरफ से यूथ में हम लोग को मिसिंग मिल रही है, यूथ मतलब 18-19 एज ग्रुप है वहां पर मिसिंग मिल रही है, 22-29 के एज ग्रुप में भी कुछ मिसिंग मिल रही है उसको। यहां पर यूथ का पार्टिसिपेशन है, उनका रोल में आने के लिए कुछ विलंब हो जा रही है। दूसरा है हम लोग का, एक देखा गया केवल झारखंड में ही, पूरा देश वर्ष में ये प्रॉब्लम होती है, अर्बन एरिया में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है, साथ ही अर्बन एरिया में फील्ड सर्वे के करने के समय में हम लोगों का एक प्रॉब्लम मिलती है उसमें। हेल्दी रोल होगा मतलब हेल्दी पोल होगा मतलब वो देश का भविष्य के लिए अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ से शुरू हो जाती है। कितना एलिजिबल वोटर है वो सूची में आ जाए, वो अपने वोटर अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, हम लोग को देश का एक डेमोक्रेसी का भविष्य के लिए अच्छा रहते, उसी का उद्देश्य ही हम लोग इसमें काम कर रहा हूँ। 18-19 एज ग्रुप का हम लोग को कवर करने के लिए हम लोग को हेल्दी रोल फॉर हेल्दी पोल के अंतर्गत में एक डेडिकेटेड AERO का भी हम लोग अपॉइंट किया हुआ है, प्रत्येक AC में एक AERO उसी के लिए, उनका हम लोग एक डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया उसी के संबंध में। अभी आने वाला समय में भी हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, उनका डिटेल कराएंगे उसी में। एक एक कॉलेजेस में हम लोग संपर्क करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने थोड़ा सा समय लेके अपने नाम का दर्ज कर लें। आज का डेट में नाम दर्ज करने के लिए अपने मोबाइल बहुत काफ़ी है, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं चाहिए किसी का नाम दर्ज करने के लिए, अपने मोबाइल में ही फोटो खिंचा सकते हैं, अपने मोबाइल में आधार कार्ड अपलोड करके घर बैठे बैठे उनका कहां पर बैठे बैठे वहां से करा सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनका AP कार्ड घर तक पहुंचती है। अभी आप लोगों का भी अनुभव मिला होगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोग घर पर कार्ड पहुंचा दे रहे हैं उसमें। ये प्रक्रिया इसी रिविजन में भी रहेगी, आगे वाला रिविजन में भी रहेगी, इसलिए किसी का भी नाम मिसिंग है उनका वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करके अपने स्वयं करा सकते हैं। साथ में वोटर सर्विस पोर्टल करके है, पहले NVSP बोलता था उसका भी वोटर सर्विस पोर्टल करके है, उसी पोर्टल में जाके अपने नाम दर्ज करेंगे, उनका आधा आसान से उसका करेक्शन वगैरह मिल जाएगी, उसमें कुछ करेक्शन भी होगा वो भी करा सकते हैं। पिछले कुछ दिन में हम लोग इसी एरिया पर फोकसली काम करता था, पहले सूची में काफ़ी खराब रहती थी, अभी बहुत सुधार आ गया उसमें, अभी उसमें नाम बारा में मिस्टेक ऐसा नहीं 100% प्योर हो गया, फिर भी हम लोग का कितना मिलती है क्वालिटी ऑफ रोल में, अभी बहुत सुधार आया उसमें, और भी सुधार करने के लिए आवश्यक है। इसमें यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, उसमें किसी का नाम में कोई गलती है उसका नाम का सुधार करने के लिए कर लें, उसी का हम लोग करा सकते हैं। साथ में किसी का भी फोटो बहुत पुराना हो गया, मतलब 18-20 साल का पुराना है, किसके पास वो लैमिनेटेड कार्ड है, लैमिनेटेड कार्ड होगी मतलब वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, उनका फोटो होगी मतलब 18-20 साल का पुराना फोटो होगा,
इसी बार हम लोग वो फोटो का अपने चेंज करके उनका नया अपडेटेड फोटो कर लें, एड्रेस में परिवर्तन होगा मतलब वो भी चेंज करके दे दें उसमें, ये भी अपने घर पर बैठे बैठे करा सकता हूँ उसी को करके वोटर हेल्प प्लेनर में। इसमें इसी बार कमीशन का एक स्पेशल फोकस दिया हुआ है घर घर विजिट करने के लिए, हाउस टू हाउस सर्वे होगा। प्रत्येक घर पर हम लोग अपने बीएलओ 2 बार विजिट करेंगे, उसी का विजिट के इंश्योर करने के लिए हम लोग एक छोटा स्टिकर बनाया है इसी बार। मतलब प्रत्येक अपने वो घर पर विजिट में जाएंगे उसमें अपने दरवाजा में जहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर लगाएंगे, मतलब वो अपने वहाँ विजिट हुई थी वो कौन सा बूथ नंबर है उनका नंबर रहेगी, पार्ट नंबर रहेगी, फर्स्ट विजिट कब किया, सेकंड विजिट कब किया, उसी का हम लोग कर लेंगे उसमें, ताकि प्रत्येक घर के इंश्योर करना चाहता उस पर कम तक दो दो विजिट में गया वहाँ पर जाकर देखा उनसे। साथ में उनके साथ में एक रजिस्टर भी रहेगी, उसी रजिस्टर में भी हाउस होल्ड मेंबर से मिलके वो अपने सत्यापन कर ले, ताकि ये रोल है बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसी बार। इसलिए हम लोग इंटेंसिव एक्टिविटीज इसी बार कर रहे हैं, हाउस टू हाउस विजिट में 2 बार करेंगे। अभी एक जुलाई में आएंगे, जुलाई 17 से अगस्त 18 तक आएंगे, उसके बाद दूसरा विजिट का प्लान किया हुआ है आपका 17 अक्टूबर से 31 नवंबर तक, 30 नवंबर तक, उसी पीरियड में वो आएंगे आके अपने घर पर विजिट करके एक एक घर पर जाएंगे, उसमें किसी का छुट्टियां मतलब उसका भी लेंगे, उसके साथ साथ में अपने नया नाम भी किसका भी मिसिंग है उसका भी दर्ज करेंगे करेंगे उसको। कुछ दिन में आंकड़ा में भी सुधार आई हम लोगों का, एक मैं आपके पास भी एक छोटा एक पेपर भी आपके पास शेयर किया था, उसमें हम लोगों का वो जेंडर रेशियो बात करता है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बात होती है, उसमें काफ़ी सुधार हुई। मतलब 2018 में हम लोग का जेंडर रेशियो था 909, अभी आ गया 946 आ गया, मतलब आपका कैलकुलेटेड है 1% 1.1 हम लास्ट पेज में देखेंगे, मतलब उसमें मिल जाएगी आपको। उसमें काफ़ी सुधार आई उसमें, फिर भी सभी महिला अंदर में सूची में आ गया, फिर भी अभी भी छूटा हुआ होगी, कारण वो नया शादी वो के अपने पति के घर पर आ गया होगा, उनके लिए एड्रेस प्रूफ उनका पति का एड्रेस प्रूफ से ही काम हो जाएगा उसको, किसी का भी वो 18 उम्र हो गया उनका नाम तुरंत दर्ज कर लें। ईपी रेशियो देखा जाता है, ईपी रेशियो में भी हम लोगों का लगभग 3.5% का आसपास का बढ़ोतरी हुई, और भी उसमें 3% बढ़ोतरी होना आवश्यक है, कारण हम लोग का एक रफ एस्टिमेट करता है उसी में, हम लोगों का एक असर व्यक्ति होंगे झारखंड में उसमें 4 आदमी सूची के बाहर है, मतलब ये हम लोग लास्ट स्टेज में है, मतलब उसी में थोड़ा सा समस्या भी कठिनाई होती है, अभी वो कठिनाई वहीं पर हम लोग फेस कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का भागीदारी वहां पर चाहिए, 100 से आपका 100 आदमी लेंगे मतलब 4 आदमी सूची का बाहर मिल रहा है, वही हम लोग को आंकड़ा बता रहा, उसी का लेने के लिए आवश्यक है उसमें। फिर लास्ट में कुछ लास्ट 3 रिवीजन देखेंगे यहाँ का कितना बीएलओ है, वो बहुत बढ़िया काम करके लगभग एक एक रिवीजन में 2% का ऊपर बढ़ोतरी दिया, उसका वोटर लिस्ट में भी हम लोग का नाम इंक्रीज हो रही है उसमें, फिर भी एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए, एक एलिजिबल वोटर भी नहीं छूटना चाहिए, वही हम लोग का उद्देश्य है, कमीशन का भी निर्देश वही है उसमें। इसी कारण से हम लोग कोई इंटेंसिव रिविजन का रखा है प्रत्येक घर पर विजिट करके करने के लिए, ये प्रोग्राम आपका 1 जून से शुरू हुई उसी में, अभी रिविजन का कार्य चल रही है सब जगह पर, हम लोग का रिविजन कर रहे हैं उसमें, रिविजन के बाद हम लोग का अभी हाउस टू हाउस विजिट है 17 जुलाई से शुरू होगा, उस समय में सभी पब्लिक का सहयोग आवश्यक है वहाँ पर, उसमें उनका भागीदारी से हम लोग इंश्योर करना चाहता हूँ एक एक विजिट का। वो भी हम लोग का स्टिकर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, कभी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए सर मैं गया था फिर वहाँ नहीं है करके, कम से कम मैं तो वहाँ पर विजिट किया, मैं तो वहाँ पर रहेगी उनका स्टिकर रहेगी देखना, मतलब देखने में पता चल जाती है, कभी कभी फील्ड विजिट में वो मिसिंग हो जाती है, देखेंगे मतलब विजिट कर दिया करके हो जाती है, वहाँ पर विजिट एक्चुअली हुआ नहीं हुआ होगा, इसलिए हम लोग एक स्टिकर देकर उनका विजिट का इंश्योर करवा रहे, सभी घर पर अपने गया था उसमें। खास तरफ से हम लोगों का कितना अर्बन एरिया में नया नया अपार्टमेंट्स वगैरह बना उन्हीं का नाम वगैरह जोड़ने के लिए आवश्यक है, रूरल एरिया में हम लोग का बहुत हद तक सूची में नाम आ जाती है, उनका बीएलओ में लोकल कनेक्ट रह जाती है उसी कारण से उनको हो जाती है, अर्बन एरिया का कुछ पेक्यूलियर नेचर है वहाँ पर उनका बीएलओ का भी आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो जाती है,
घर के आसपास वाला का भी दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग का डिजिटल माध्यम से वाटर हेल्पलाइन ऐप है आपका बिंदी एसपी है, उसके माध्यम से हम लोग को उसका करा सकता हूँ उसको। हम लोग का उसमें कुछ स्पेशल डेट भी इसी बार रखेंगे, उसमें सीनियर सिटीजन का एनरोलमेंट के लिए रखेंगे स्पेशल डेट्स का, उस तरफ से विकलांग व्यक्ति का उसका हम लोग स्पेशल डेट रखेंगे, एक प्रिमिटिव ट्राइबल कोर का भी स्पेशल कैंप करेंगे उसमें, फिर सेक्स वर्कर्स होंगे, आपका ट्रांसजेंडर होंगे उनका भी हम लोग को फोकस करके कर लेंगे, फिर ये इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब है, खास तरफ से अर्बन एरिया में हम लोग का कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उसमें, आपका कॉलेज में भी हो स्कूल में भी हो, उसके बाद सभी ऑफिस में भी वाटर अवेयरनेस फोरम का भी हम लोग को फोकस करके इसी बार हम लोग को कर लेंगे उसमें। अभी रोल का संबंध में बात करेंगे, कम्प्लीटली डिजिटल हो गया आज का रोल में, किसी का भी नाम एंट्री करना है कॉन्टैक्टलेस हो गया, मतलब वही बोल सकते हैं कॉन्टैक्टलेस हो गया, मतलब अपने एप्लीकेशन का आप डिजिटल माध्यम से दे सकते हैं, बीएलओ सबका वेरिफिकेशन अपने आके करेंगे, उनका कार्ड भी अपने घर पर पहुंच देती है उसको, इसलिए किसी का भी पहले की तरफ से दिक्कत नहीं होती है, कभी फॉर्म दे दिया तीन बार दो बार दे दिया उसके बाद मिस हो रही है, अभी ये शिकायत हम लोग 100% खत्म कर दिया। वोटर में अभी तो वैसा सुनने की नहीं मिलती है, दो साल ढाई साल का पहले ये वाला सुनने नहीं मिलती है, समय बार बार देता मेरा नाम नहीं आता उसको, अभी ये इश्यूज नहीं है, डिजिटली करेंगे मतलब उनका समय पर हो जाती है। हम लोग एक टारगेट रखा 28 डेज में उनका कार्ड पहुंचाने के लिए घर पर, उसी टारगेट के हिसाब से काम करता है, अभी वो ईआरओ नेट का ट्रांजिशन चल रही है उस पर थोड़ा सा विलंब है, बाकी समय तक मोटा मोटी हम लोग अपने घर पर पहुँचा दे रहे हैं उसे। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग का शुरू हो गया, अभी इसी रिविजन के अंतर्गत तो प्रत्येक ऑफिसर का हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, फर्स्ट बैच में उनका डेटा एंट्री ऑपरेटर सबका ट्रेनिंग हुई, उसके बाद डेडिकेट ईआर वर्क हुआ, फिर अभी एसएलएमटीस का ट्रेनिंग हुआ, स्टेट लेवल मॉनिटर ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग हुई, अभी उन लोग जाएंगे अभी दिल्ली में जाकर उनका ट्रेनिंग होगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे, उस तरफ से असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर भी तैयार करेंगे, फिर सभी ईआरओ एआरओ के भी अभी नेक्स्ट 2 डेज भी हम लोग उनका प्रोग्राम रखा है ईआरओ एआरओ का, इसलिए कंप्लीट ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग का भी हम लोग को सोच रहे हैं, हम लोग ज़्यादा टीएलएम मटेरियल बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल है कितना डिजिटल माध्यम से उसमें करवाने के लिए हम लोग को प्रयास करें। लिस्ट का टेक्निकली आप बात करेंगे, नॉमिनेशन का 10 दिन का पहले तक अपने नाम का दर्ज करा, वो टेक्निकली वो आपका लीगल प्रोविजन वही है, फिर भी आपका एक स्पेशल समर रिविजन में आपका कैंपेन कर लेंगे उसमें अभी करवा देना ही बेटर रहती है, आपका रोल में क्लियर आ जाती है उनका, आपका समय पर कार्ड भी प्राप्त हो जाएगी, सब सुविधा हो जाएगी, अभी इसमें कैंपेन करके आपके पास में आ रहा है, वेरिफिकेशन मास स्केल में हो जाएगी, इसलिए टेक्निकली आपका करेंगे तो लीगल प्रोविजन अलग है, हम लोग अभी एक स्पेशल कैंपेन में हम लोग SSR में अभी करवा के कर लेने अच्छा होगी उसमें। रेंट पे जैसे लोग रह और एक फ्लैट बिल्डिंग में कई फ्लैट हैं, अलग अलग स्टिकर हर फ्लैट, देखिए प्रत्येक घर का प्रत्येक हाउस होल्ड का हम लोग ये एक बेसिकली क्या है ना, एक कोई सीनियर ऑफिसर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से कोई ऑफिसर जाके देखेंगे इसी घर पर विजिट हुआ नहीं हुआ, आप भी देखा होगा आप लोग को पहले हम लोग का वो पोलियो वायरस का वो कैंपेन चलती थी, हम लोग का बाउंड्री में लिख के चल देते रहता था उसको, वो भी बड़ा बड़ा ऐसा करके लिख देता है उसमें, उसका वो नहीं करना मतलब, इसलिए हम लोग एक छोटा स्टिकर है मतलब उनका भी अच्छा लगेगा मतलब उसी में करने के लिए, इसलिए एक हाउस हाउस और एक एक मकान का चिन्हित करके हम लोग जाना है, एक फ्लैट होगी मतलब उसमें एक 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 अपार्टमेंट होगी मतलब एक एक फ्लैट में जाएंगे, फिर ह्यूमन लिविंग कहाँ का रहता, रेजिडेंस कहाँ पर है, मतलब केवल ऐसा नहीं है किसी का रोड साइड में रहता है मतलब उनका भी प्रोविजन है उसमें, किसका मकान नहीं उनका भी प्रोविजन, वो सबका कैंपेन हम लोग करवाएंगे उसमें, कहाँ पर विजिट किया था उसका भी हम लोग फोकस करके रखेंगे, वो स्लम एरिया भी वो रोड साइड में सोता होगा वहाँ पर भी हम लोग इसी बार देखेंगे कहाँ पर कोई छुटा हुआ करके, इसे सब जहाँ पर हम लोग जाएंगे। आपका 13 व्यक्ति ऑफिसर्स आइडेंटिफाइड है इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन में,
उसने बाकी एक का छोड़कर बाकी कितना मिल गया उसमें, केवल रांची में थोड़ा सा इश्यूज हो रही है, वहां पर भी अभी मीटिंग रखा है उसका फाइनल करेंगे, बाकी सभी एसी में मोटा मोटी कम्प्लीट हो गया। अभी किसी भी डेट में इलेक्शन का भी अनाउंस होगा, उसका तैयारी हम लोग FLC शुरू हो गया, बाकी तैयारी करने वाला मीटिंग भी हम लोग कम्प्लीट कर लिया, इसलिए अब अभी 6 महीने के अंतर्गत करना है, लगभग 2 महीना पूरा हुआ और 4 महीने के अंतर्गत तो ये चुनाव कम्प्लीट हो जाएगी उसमें। इलेक्शन कमीशन का उसी तरफ से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी वैसा काम चल रही करके मैं नहीं जान रहा हूँ उसमें। आपका वो एलिजिबल वोटर है उनका कंप्लीट वेरिफिकेशन, नेशनलिटी वेरिफिकेशन करके सिटीजन ऑफ इंडिया का तो वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई करके क्या प्रोविजन उस हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन करें। उसका संबंध में हम लोग ERO का भी ट्रेनिंग है, वो भी मैं आपका संगत कर लेंगे, पहले भी क्लियर है सिटीजन ऑफ इंडिया ही एलिजिबल होंगे, वो तो क्लियर है उसको, इसलिए ERO का रजिस्ट्रेशन के पहले हम लोग एक बार उसका भी फाइनल कर लेंगे। देखिए सिटीजन का डॉक्यूमेंट से नहीं होती है, सिटीजन का तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। वो इशू तो डिबेटेबल इशू है, उसके बारे में हम लोग आज नहीं जाना है, ठीक है। इसलिए आप लोग से सहयोग आवश्यक है, बीच बीच में आप लोग का भी कुछ न्यूज चाहिए, मतलब दत्ता जी रहेंगे, मैं रहेंगे, आप लोग का फीड करते रहेंगे, पब्लिक देखिए कितना एडवर्टाइजमेंट जाएगी उससे ज्यादा पड़ेगा न्यूज का, पब्लिक का वहीं पर ज्यादा कम्युनिकेट होती है, न्यूज में भी इससे ज्यादा कम्युनिकेट होता है, इसलिए आपसे आएगा सहयोग आवश्यक है। कैंप लगेगी उसमें आपका डेट देखेंगे उसका, आपका फर्स्ट पेज निकाल दीजिए उसमें, 6 नंबर में देखेंगे, 6 में देखा ना फर्स्ट पेज में, 6 में सीरियल नंबर 6 में, इसमें और भी कैंपेन डेट ऐड होगा, हाँ दो डेट आए दिया वो दो सैटरडे संडे, उसके साथ में हम लोग वो फर्स्ट डे में होगा पुत में, फिर उसके बाद तो स्पेशल कैंप डे होगा सीनियर सिटीजन का, आपका बात सेक्स वर्कर्स का, दिव्यांग का, वो उनका स्पेशल कैंप PTG का अलग से कैंपेन डेट होगी। सर क्या कुछ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था शॉर्टकट में, सर उनका उनका माइक ले रखा हुआ, ठीक एक मिनट बता दीजिए, बता दे रहे सर एक शॉर्टकट में बता दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वो स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम 1 जून से शुरू हुआ, अभी आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में उसी चुनाव में ये सूची इस्तेमाल किया जाएगी, इसे कितना भी एलिजिबल वोटर है उनसे आपका माध्यम से अनुरोध है अपने नाम का दर्ज कर लें, इसका संबंध में कितना कमीशन का तंत्र है, CO ऑफिस का कितना, BLO सब उसमें आपका अप्रोच करेंगे, हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, अब अपने नाम दर्ज करने के लिए उसमें कोई मिस्टेक होगा तो उसका भी करेक्ट करने के लिए सहयोग। ऐसा कोई तारीख डेट निर्धारित कितने दिन तक होगा ये कार्यक्रम? लास्ट में अंतिम सूची फाइनल होगा 5 जनवरी 2024 को, उसका पहले एक डिटेल्ड शेड्यूल है उसमें आपका आज 1 जून से शुरू होके आपका प्रत्येक कार्यक्रम, पब्लिक का कार्यक्रम शुरू होगी 17 जुलाई से, हाउस टू हाउस विजिट होगा, फिर उसके बाद अपने दावा आपत्ति के लिए समय होगी, फिर उसमें एक होगी 2 नवंबर में होगा उसमें। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, अभी अनदर 4 मंथ्स का अंतर्गत वो चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट होगी। क्या कुछ प्रक्रिया अभी चुनाव का संबंधित कितना आवश्यक तैयारी है, FLC कार्यक्रम आज के डेट में चल रही है उसी को, मतलब EVM का तैयारी का संबंधित कार्यक्रम चल रही है उसको, वो मतदाता सूची तो तैयार है, उसमें कितना भी एडिशन करना वो भी हम लोग कार्यक्रम कर रहा है उसमें, इसलिए रिविजन का काम चल रहा है, इसलिए इलेक्शन का संबंधित काम हम लोग तैयार है उसको। पहले 4 महीने के अंदर में कभी भी अनाउंस हो जाएगा
चार महीने के अंतर्गत इलेक्शन का प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर ये जिस तरह से बंगला घुसपैठी देखे जा रहे हैं, बांग्लादेश के जो लोग संथाल के कई जिलों में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे वहाँ के आदिवासियों के साथ वो शादी कर रहे थे, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों के दौरान आप लोग की क्या कुछ तैयारी है? उसमें देखिए आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है, ये एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए सूची में नाम आने के लिए, इसलिए इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसका ध्यान रखिए काम करेंगे। लोकल आधार अगर वो बनवाते हैं उसके आधार पे तो उनका वेरिफिकेशन करके करेंगे, हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, उनका 100% वेरिफिकेशन होगा, किसी भी के नाम का दर्ज करना उसका 100% वेरिफिकेशन बातें करना है, वो भी डायरेक्शन ईआरओ का दिया हुआ उसी के अंतर्गत उनका काम। चुनाव आयोग पे पहल करिए क्या कि इसके उस आधार पे वोटर कार्ड ना बने, 100% फील्ड वेरिफिकेशन होना है, वो कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है, किसी भी आवेदन का एक्सेप्ट करने के पहले 100% फील्ड वेरिफिकेशन होना है, उसका जिम्मेवारी का स्टेज दिया हुआ उसी को, बीएलओ का 100% वेरिफिकेशन करना है, उसका सुपरेशन करने के लिए कर दिया हुआ एआरओ का, ईआरओ का इवन सुपर चेक का भी प्रोविजन दिया हुआ उसमें, उसी तरफ से कहां पर भी शिकायत आती है हमने आपने खुद जाकर भी हम लोग उसका चेक करेंगे, इसलिए बिना वेरिफिकेशन का नहीं होगी, कमीशन का डायरेक्शन है ये प्रत्येक एप्लीकेशन 100% वेरिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगी इस बात 100% मॉनिटरिंग करेंगे, 100% वेरिफिकेशन करने के लिए डायरेक्शन। सत्यजीत, और कुछ?